आज चौरी बाजार में दिखा युवा नेता का दम। खम जिले के बदहाली पर भूत व वर्तमान जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर खूब जमकर बरसे डीएम सिंह गहरवार। बता दें कि जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर भदोही का यह युवा नेता बीते 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस से सूर्यावा थाना क्षेत्र के छनौरा ग्राम सभा से प्रारंभ किया था। सब मिलाकर श्री सिंह ने जनपद में एक आंदोलन जैसा माहौल बना दिया है, जिसमें जनपद के हजारों युवा इस हस्ताक्षर अभियान में पूरी तन्मयता के साथ अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान किए, जिससे कल अजीमुल्ला चौराहा भदोही में इस हस्ताक्षर अभियान के समापन की घोषणा की। वहीं डीएम ने कहा कि मैं सिर्फ हस्ताक्षर अभियान नहीं चला रहा हूं, सही मायने में कहूं तो दलाल भस्म यज्ञ करने की तैयारी कर रहा हूं और कल इस महायज्ञ में आप सबके हस्ताक्षर रूपी ईंधन और सहयोग रूपी घी की आवश्यकता है। कल का ही वो दिन है जिसे हमने तय किया है। मैं इन भ्रष्ट प्रतिनिधियों के राजनैतिक पारी की आहुति दे सकूं। उन्होंने पूर्व में जो भगोड़े चोर लुटेरे बेईमान जनपद छोड़ भाग गए हैं, उनके भी राजनैतिक पारी की भी तिलांजलि की बखूबी व्यवस्था कर रहा हूं। डीएम सिंह ने कहा कि हमें पीड़ा हो रही है कि जनपद में ना ही विश्वविद्यालय है और ना ही उत्तम चिकित्सालय उपचार की व्यवस्था। साथ में उन्होंने बिजली पानी सड़क रोजगार जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर दिया। उन्होंने सभी वर्गों के लिए कहा कि हमें धर्म जाति वर्ण समुदाय पर लड़ाया जाता है जिससे इनकी ताजपोशी हो, लेकिन अब वो दिन समाप्त हो गए। अब भदोही जनादेश को जागना होगा और अपने अधिकार छीनने होंगे। उन्होंने कहा कि भदोही की व्यवस्था सुधारने के लिए हम सबको एकत्रित होकर सत्ता और व्यवस्था दोनों को बदलना होगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया और कहा कि अब वो समय निकट आ गया है कि युवा नींद से जागे और अपने अधिकार के लिए खड़े हो। आपके साथ डीएम सिंह अपने समस्त दल बल के साथ हमेशा तैयार हैं। वहीं डीएम सिंह ने कहा, युवा दो अक्षर से बना एक अल्प शब्द है, किंतु इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। उन्होंने युवा शब्द का एक अनोखा उदाहरण भी दिया। युवा ही युग का वारिस है। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले भविष्य निसंदेह आपका ही होगा। डीएम सिंह ने कहा कि अतीत में भी भदोही को सिर्फ लूटा गया था और आज भी लूटा जा रहा है, बस अंतर इतना है कि पहले झूठे वादे और कस्मों पर लूट और आज लोकार्पण और खानापूर्ति करके बड़ी निर्ममता के साथ ठगा जा रहा है। उन्होंने सत्तारूढ़ नेताओं पर जमकर तंज भी कसे और कहा कि माननीय जी के कार्यकाल में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बड़े बड़े शिलापट्ट लगाकर मोटे मोटे और बड़े बड़े अक्षरों में नाम ही सिर्फ देखने को मिलता है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को आगामी सत्र 2022 विधानसभा चुनाव में सबक सिखाना होगा। इस दौरान उन्होंने शिक्षा युक्त भदोही, नशा मुक्त भदोही की भी कल्पना की। उन्होंने कहा, यदि मेरे इस मुहिम से प्रेरित होकर एक भी व्यक्ति नशा जैसे विनाशकारी लत से छुटकारा पा जाए तो मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा, क्योंकि मादक पदार्थ सेवन करने से व्यक्ति की अच्छे बुरे में फर्क सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का समूल विनाश हो जाता है। तो ऐसे विनाशकारी मादक पदार्थ के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इस बीच वहां हजारों समर्थक ने वृहद हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और एक स्वर में सभी युवाओं ने अपने इस नेता के समक्ष संकल्प लिया कि हम सब मिलकर गांव-गांव जाकर जन से मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे भदोही शिक्षा परिक्षेत्र में विकास कर सके। इसी बीच समर्थक डीएम सिंह के हजारों युवा ने डीएम सिंह जिंदाबाद के जोरदार नारे से क्षमा बांध दिया।
जिससे पूरे चौरी क्षेत्र में डीएम सिंह के नाम की ध्वनि गूंजने लगी। इस बीच डीएम ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी वाहन में सवार होकर चल दिए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ रफीक खान की खास रिपोर्ट। डीएम सिंह जी, आप एक आंदोलन चालू किए हैं, बृहद साक्षरता हस्ताक्षर अभियान, बृहद हस्ताक्षर अभियान आप चालू किए हैं और जिले की स्वास्थ्य बदहाल व्यवस्था के लिए, आपके दिमाग में ये कब आया, आपके जहन में ये कब आया और कैसे और क्यों आया? जब मैं अपना दल का जिलाध्यक्ष हुआ था 2018 में, तो जिलाध्यक्ष होने के एक महीने के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। एक्सीडेंट होने के बाद मैं जब सरकारी अस्पताल में गया एक्सरे कराने के लिए पैर का जी जी, तो एक्सरे मशीन तो था, वहाँ जनरेटर नहीं था कि चालू हो पाता। सैकड़ों लोग लाइन लगा करके खड़े थे, कोई डॉक्टर ही नहीं। मतलब 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ डॉक्टर समय पर नहीं आते और अस्पताल में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का सदुपयोग नहीं हो पा रहा। उसके लिए मैंने आंदोलन छेड़ा उसी समय। आंदोलन के बाद मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ और व्यवस्थाओं को मैंने देखा तो 50 लाख का डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे यहाँ था, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं था जो अल्ट्रासाउंड कर पाए, जो एक्सरे कर पाए। यहाँ से छोटी छोटी विवाद के बाद भी लोग मेडिकल कराने के लिए सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और ट्रामा सेंटर बनारस जाने के लिए मजबूर होते थे। उसी समय मुझे दुर्व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा और फिर हमने सोचा कि अगर हमारा जनपद स्वाधीन है और जनपद को एक विधिक शक्ति प्राप्त है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी होना अनिवार्य है। इसके लिए आम जनमानस को जागरूक होकर के इस अधिकार की मांग करनी चाहिए। कौन से सत्र की बात थी? 2018 से मैं लगा हूँ इस विषय पे। फिर 3 वर्ष बीत गए आपको सिर्फ महसूस करते हुए, इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? कारण ये है कि पहले मैं घड़ा खरीदा, है ना, घड़ा लिया और घड़े में बूंद बूंद कर करके पानी इकट्ठा किया। इसके बाद मैं जनपद की प्यास बुझाने की ओर अग्रसर हूँ। अब मेरा घड़ा भरा हुआ है, वो जनमानस और युवाओं रूपी बूंद था मेरे साथ और आज वो युवा शक्ति के साथ मेरा घड़ा भर गया है। उस शक्ति के साथ मैं आंदोलन करने तो मान लिया जाए आपके पास प्यास बुझाने के लिए समुद्र हाथ में आ चुका है, स्वाभाविक आ चुका है, युवा रूपी समुद्र। एक बात नहीं समझ में आती कि आपने इस आंदोलन के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? चूंकि 15 अगस्त हमारे देश का सबसे क्रांतिकारी दिन है। इस दिन हमारे देश की आज़ादी का मुख्य कर्णधार, मुख्य बीज बोया गया था, तो जनपद की आज़ादी के लिए भी 15 अगस्त को मैंने चुना कि जनपद को भी प्रमुख स्थान मिले और प्रमुख स्थिति में व्यवस्थाओं का प्राप्त हो। तो ये जो आपका आंदोलन है समाप्त कब होगा, कौन सा दिन इसके लिए आप नियुक्त किए? कल 10 सितंबर को मैं समाप्त करूंगा भदोही नगर पालिका क्षेत्र में और फूलन देवी तिराहे से मैं प्रारंभ करूंगा पदयात्रा और अजमुल्ला चौराहे पर एक मंचस्थ कार्यक्रम करके युवाओं को संबोधित करके कार्यक्रम समाप्त करूंगा। आपके साथ आपके जीवन चर्या के साथ कुछ बातें कुछ अनहोनी जुड़ी रहती हैं। आप जो भी कार्यक्रम करने जाते हैं प्रतिपक्षी उसमें